इंडसेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से कृतिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे क्योंकि यू आर डूइंग वेरी वेल एंड सीरियल से उसके बाद एक्टिंग फिर मूवीज और अब लव uh, थ्रिल से एकदम से ड्रामा थ्रिल बहुत ही एक्साइटेड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर ग्यारह ग्यारह थैंक यू वेरी मच मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ऐसा लगता है दैट आई एम डूइंग वेल क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं कुछ अलग करती रहूं अपने आप को री इन्वेंट करती रहूं रिपीट ना करूं किसी भी जॉनर में या किसी टाइप के कैरेक्टर में स्टीरो टाइप ना हो और उसी कोशिश में एक कदम है ग्यारह ग्यारह मेरे लिए एंड बहुत ही एक्साइटिंग शो है एक अलग कॉन्सेप्ट है हिंदी सिनेमा और हिंदी शोज में पहला ऐसे नहीं हुआ है हमने कई सारे क्राइम ड्रामास देखे हैं पुलिस प्रोसीजरल ड्रामास देखे हैं लेकिन हमने कभी इस इन्वेस्टिगेशन को Uh, इस तरीके से नहीं देखा जहां पे पास्ट और प्रेजेंट कनेक्टेड हो जहाँ पे मिस्टीरियसली जब ग्यारह ग्यारह बजते हैं तो दो वॉकी टॉकीज़ कनेक्ट होते हैं और एक ऑफिसर जो ट्वेंटी सिक्सटीन में है वो नाइनटीन नाइनटी के एक ऑफिसर से बात कर पा रहा है और इन्फॉर्मेशन वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं just, बिना बैटरी के. के तो ऑफ मैजिक बिट ऑफ ऑफ मिस्टिसिज्म एवरीथिंग इन द शो तो जब पूरी शूटिंग आप कर रहे थे तो जब हर बार ग्यारह ग्यारह का नाम आता था तो कभी ये नहीं सोचा ये नौ अगस्त को रिलीज होने जा रही है ग्यारह ग्यारह को क्यों ना रिलीज हो हमने सोचा था ये इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर ने कई बार ये कहा भी था बट आप बताइए आप वेट कर लेते नवंबर तक नहीं नहीं हम नहीं करते तो से कि जल्दी आ जाए कोई बात नहीं हम ग्यारह के ग्यारह मिनट बना देंगे जी बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव वो बता सकती हूँ की नौ अगस्त को जी ग्लोबल पे आ तो रहा है ग्यारह ग्यारह बट अगर आप आठ अगस्त को ग्यारह ग्यारह बजे ट्यून इन करें तो शायद कुछ मैजिक भी हो सकता है क्या बात है क्या बात है अगर मैं सेट की बात करूँ और शूटिंग की बात करूँ कोई ऐसी आपको याद दिलाना चाहूंगा राघव जी आपके साथ गाड़ी वाला सीन कर रहे थे और आप मैनुअल गाड़ी चला रहे थे राघव जी मुझे बदनाम करना चाहते हैं और ये राघव जी बताना चाहते हैं कि औरतें नहीं चला सकती मैं मजाक कर रही हूँ बट ऐसा कई बार हुआ ये बात बिल्कुल सच है लेकिन मैंने मुंबई में हम लोग ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाते हैं आम आप भी चलाते होंगे मैनुअल गाड़ियां जी। तो बहुत पहले कभी चलाते थे तो यहाँ पे मुझे मैनुअल एस चलानी थी वो भी सीधा पहाड़ों में क्योंकि हम देहरादून मसूरी में शूट करे थे वो हिल स्टेशन है तो वहां पे कई ऐसे मौके आते थे कि स्लोप पे गाड़ी चलाना या रोकना बहुत मुश्किल होता है तो मेरे लिए हैंड ब्रेक पुल करने का गियर चेंज करने का काम

ये yes, और you, मुझे पहले लगा था कि क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट अब हमें इतनी आदत हो बहुत इंतजार है अभी क्योंकि दो दिन रह गए हैं आने में Z5 फाइव ग्लोबल का मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इंडस एजेंट फ्रेंड वर्ल्ड टीवी से मैं वरुण तिवारी लेकिन आपसे ये पूछना चाहूंगा थोड़ा सा

तो हम ठिठुरते हुए बहुत सारे थर्मल्स पहनकर और पुलिस यूनिफॉर्म में भी अंदर टर्टल नेक उसके ऊपर जैकेट इन इन कंडीशन में हमने भाग दौड़ भी की एक्शन भी किया और एक दिन जो मुझे बहुत क्लियरली याद है वो ये है कि हम लोग एक uh, मतलब आई थिंक माइनस टू डिग्रीज होगा और उसमें हमें बारिश का सीक्वेंस करना था और हम रात भर राघव और मैं बारिश में बार बार भीगे फिर दोबारा रीटेक हूँ हम फिर भीगे

वांट की जल्दी-जल्दी आए क्योंकि ऐसा फ्रिल मसाला ड्रामा और ऐसी वाली स्टोरी थोड़ी हटके है और बड़ी देर के बाद आ रही है हमें सबको इसका बहुत ही इंतजार है जी अब बात करते हैं आपकी ब्यूटी की सो so, कुछ टिप्स क्योंकि आप बहुत ही फिट एंड ब्यूटी उसके अगर जो आपकी तरह थोड़ा फिट एंड फाइन एंड ब्यूटी के साथ करते हैं उसको आप सबको क्या टिप्स देना चाहेंगे ये आप अपने लिए पूछ रही हैं कि के लिए पूछ रहा आपकी ऑडियं अच्छा ठीक है तो आ, मैंने पिछले कुछ सालों में अपना काफी इस बात का ध्यान रखना शुरू किया है एंड अभी जो आप देख रहे हैं ऑब्वियसली बहुत सारा मेकअप और और हेयर सब कुछ हमें हम एक्टर्स को तो ये प्रिविलेज है कि हमें बहुत लोगों की हमारी टीम जो है वो तैयार करती है तो हम ऐसे दिखते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सोने पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मुझे मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है आठ घंटे मैं आ, क्या बताऊ बाकी तो आई थिंक आधी चीज तो जेनेटिक्स है तो उसका मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकती लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखना वर्कआउट करना न्यूट्रिशन जो सारी चीजें जो मम्मी पहले बोलती थी जो हम पढ़ते रहते हैं और हमें लगता है ना कि ये सब ऐसी बातें करते हैं मुझे अब ऐसा एहसास होने लगा है कि ये सच में जरूरी है और उनका रिजल्ट मिलता है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज मैं नहीं बता पाऊंगी आजकल क्योंकि हमारा ये शो जो है कोरियन अः एक कोरियन सीरीज का ऑफिशियल अडेप्टेशन भी है इस वक्त कोरियन स्किन केयर की बहुत चर्चे है तो जो के फैन हूँ ग्लोबल तो really का एक बार बहुत ही हम शुक्रिया अदा करेंगे जॉन से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज को लेके आ रहे हैं सारी दुनिया के सामने सो so, अगर अभी हमें आपके सीरीज का इंतजार है So, what's next? कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स और आप ग्यारह में, में तो ग्यारह सीजन वन को बहुत प्यार दीजिए क्या पता जी हमें ले ही आए आपके पास वहां शूट करने के लिए फिलहाल तो सारी उम्मीदें इसी शो पे टिकी हुई हैं हम सब चाहते हैं कि लोग शो देखें हमें बताएं उन्हें कैसा लगा चाहे अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज करें ये बिल्कुल जनता ही सब कुछ है उनके हाथ में है बट जरूर देखें ये मेरी इस वक्त डेफिनेटली सारे जरूर देखेंगे क्योंकि ट्रेलर में ही इतनी जान है फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त बिल्कुल तो ट्रेलर okay. ही इतना प्यार ले रहा है सारी तरफ से सो और सबको आप सारे आर्टिस्ट कितने भी आपकी टीम है सारे डायमंड्स चूज करके आपने बहुत अच्छा काम किया है और ट्रेलर के बाद एक अट्रैक्शन होता है कि इसको देखना है इसका वेट बहुत टक टक चल रही है हमारी सुई ग्यारह ग्यारह तक के बस जैसे ही बजेंगे ग्यारह ग्यारह आठ अगस्त को एक बार Z5 फाइव ग्लोबल ऑन कर लीजिएगा डेफिनेटली और हम आपको एक बार फिर से Z5 Global का और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं इसी तरीके से आप करते रहे टीवी uh, की तरफ से मैं वरुण तिवारी आई जस्ट आप जब भी ऑस्ट्रेलिया तो हम अपनी बातचीत सामने सामने बैठे so और बात करें आपका आपके व्यूअर्स का आपके प्यार का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आ, प्लीज शो देखें और हमें बताएं आपको कैसा लगा मैं ईगरली वेट करूंगी आपके रिएक्शन का थैंक जाते जाते बस फिलहाल तो यही कि हमने एक सीरीज बनाने की पूरी कोशिश की है जब मैंने स्क्रिप्ट थी, मुझसे रखी नहीं गई थी नीचे। कि अब पूरी शूट के बाद ऑडियो विजुअल साउंड ट्रैक के बाद ये बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज हमने इस शो को बनाने की कोशिश की है आई होप हम उसपे खरे उतरे हो प्लीज देखें और हमें बताएं आपको कैसा लगा Very, very good wishes Thank you. Thank you. This first Indian magazine to have a national reach, *Indus Age* is the largest circulated South Asian magazine in Australia with five simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. *Indus Age* is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community news from India, Bollywood, music, and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au